तो अभी मैं कोर रही हूँ मूली, ये देखिए और ये देखिए। तो ये मूली कोर रही हूँ मैं आलू के नहीं, यहाँ मूली के पराठे बनाने के लिए। तो आज जोशी जी बोल रहे हैं कि मूली के पराठे खाने हैं, और जी साहब को मूली के पराठा बहुत पसंद आया। आज सुबह मैंने उनके लिए बनाया था एक पराठा मूली का, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो बोल रहे कि अभी मेरे लिए मूली के पराठे बना करके। तो अभी है शाम का टाइम और अभी खाना बन रहा है डिनर रात का, तो उसमें मैं आज क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ, बहुत कुछ बना रही हूँ। तो क्या क्या बना रही हूँ आज मैं फौजी साहब के लिए दिखाती हूँ आपको। आजकल मैं ब्लॉग बहुत कम बना पा रही हूँ, टाइम नहीं हो रहा मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन चल रहा है आजकल। तो इतनी बड़ी मूली थी वो मैंने ये कोड़ दी है, तो एक मूली बहुत है, बच्चे नहीं खाते हैं, सिखा खाती है और जोशी जी खाएंगे और मैं खाऊंगी, तो हम तीनों के लिए एक मूली बहुत है। तो ये मैंने कस दी है, साथ में मैंने ये कोड़ दिया है क्या बोलते हैं खीरा, ये खीरा कोड़ के इसमें हरी मिर्च काटी है, इसका रायता बनने वाला है, और साथ में बनने वाली है पत्ता गोभी की सब्जी। तो ये पत्ता गोभी मैंने काट के रख दी है, और आज पता जोशी जी कौन से वाला आलू लाए हैं, जो लाल आलू होता है ना हमारा पहाड़ी, तो ये लाल वाला आलू लेके आए हैं, ये लाल वाला आलू काटूंगे, इसमें सिर्फ दो दाने क्योंकि आलू हम बहुत कम खाते हैं ये। और साथ में प्याज काट दिया है बारीक बारीक, ये सब्जी में पड़ेगा, थोड़ा सा जोशी जी के रायते में पड़ेगा, वो बोल रहे मेरे जो रायता होता है मेरा रायता जो मेरे हिस्से का रायता है उसमें थोड़ा सा प्याज डाल देना। तो ये मैंने काट दिया है, तो ये है पत्ता गोभी जो मैंने काट दी है, ये है खीरा जो मैंने कोट दिया है, ये है प्याज जो मैंने काट दिया है, ये है मूली जो मैंने कस दी है, साथ में दो आए हैं पैकेट दही के, दो काफ़ी हैं दो पैकेट दही के खीरे के लिए, थोड़ा थोड़ा हम खीरा का रायता खाएंगे, और साथ में ये मेथी है जो मैंने बिन के रख दी है, सुबह इसके बनेंगे मेथी के पराठे या मेथी की सब्जी स्कूल में टिफिन के लिए, और ये सूप हमने अभी जस्ट पी रखा है सूप बना के। टाइम है यानी डिनर की तैयारी हो रही है मेरी, और आजकल मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, आप टेंशन मत लेना, जोशी जी चले जाएंगे तो ब्लॉग कंटिन्यू बने रहेंगे, फेसबुक में तो तब भी आ रहे हैं, यूट्यूब में जो है वो नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहे हैं, लेकिन व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। फेसबुक से मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। आज मैंने चेक करा कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो लोग देखते हैं, तो इतना अच्छा लगा, जापान से कुछ बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देख, चीन से मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, हल्द्वानी के उतने ज़्यादा नहीं हैं मेरे व्यूअर्स जितने मेरे व्यूअर्स बाहर के हैं, और पहाड़ बागेश्वर से बहुत लोग मेरी वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। चौखटिया से मेरी वीडियो बहुत लोग देखते हैं, थैंक यू सो मच। जापान से जो भी आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, आप हमारे इंडिया के हैं, बहुत अच्छा लगता है। और चीन से मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारा धन्यवाद आप सब के लिए। और कहीं और का नाम बता रही थी खुशी, तो हमने चेक करा आज बहुत सारे जगहों से मेरी वीडियो को देखते हैं, और बच्चे भी काफ़ी मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। तब ये चल तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल और तमिलनाडु के दौरे पर।